लेकिन वो शायद यकीन में बदल गया। 100% मुझे लाइक करता है। एक शुरुआत उसने की मुझे हर बार बचाकर, अब एक स्टेप मुझे लेना है, उसके लिए गिफ्ट खरीदना है और वो गिफ्ट उसे देकर उसे प्रपोज करना है, वो भी आज ही। लो, हैल गया रायता। तू रहने दे परी बेटा, तुम्हें लेट हो जाएगा। पर वो मासा भी हम कर लेंगे, तुम लोग जाओ। शोना जी मैम। ये हो क्या रहा है सत्तू जी के कॉलेज में? अभी अभी तो उन्होंने जाना शुरू किया है और लड़कियां उनका पीछा करते करते घर तक आ गई। ये ठीक नहीं है। अजीब पागल लड़की। अरे यहाँ आने की क्या जरूरत, कहीं पे भी परी जी का पीछा नहीं छोड़ती है। तो दिमाग खराब करके रखी है, किससे क्या है कुछ? क्या हो गया सत्तू भैया? अरे इतना टेंशन मत लीजिए, आपकी मुसीबत चली गई। अरे थोड़े रिलैक्स हो जाइए आने, तो आप तो बड़े फास्ट निकले। ऐसा जादू किया है कि लड़की बिल्कुल लट्टू ही हो गई आप। और नहीं तो क्या। अरे सत्तू भैया आपको खबर भी है, आपकी वो मुसीबत आज गिफ्ट खरीदने गई आपके लिए, वो भी आपको प्रपोज करने के लिए। आने तो ये क्या मजाक? ये कोई मजाक नहीं है सत्तू। सच, और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आज ये लड़की तेरे प्यार में घर तक आ गई, पता नहीं आगे जाके क्या करेगी। अरे तो ये बात आप परी जी को समझाइए ना मासा, वो ही है जो समझती नहीं। पता नहीं क्या दोस्ती बनानी है उससे, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, हमें तो वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। सत्तू बेटा, ये जो मामला है ना, तुम दोनों को ही सुलझाना पड़ेगा, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। परी जी के भी क्या कहने, दुनिया की पहली ऐसी पत्नी होगी जो अपने ही पति के लिए गिफ्ट खरीदवा रही है, वो भी दूसरी लड़की। मैम ये कैसा लगेगा? हेलो। हाँ कहाँ है आप? दिमाग तो ठीक है आपका, उसके साथ शॉपिंग पर जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करते, पता है कितनी बुरी तरीके से फंस चुके थे। सब आपकी मेहरबानी, खरीदने दीजिए उसे कुछ, हम कॉलेज आएंगे ही नहीं। सत्तू जी कितने दिन कॉलेज नहीं आएंगे आप, और भागने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ करना ही होगा। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यस जोकर है सिद्धार्थ, तुम यहां कैसे आए सिद्धार्थ? मेरी बात सुनो रोशनी, यस जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यस इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। हे सरोजनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी, कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी।
हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह, ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारे मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,